आपका स्वागत है हमारी डेली लाइफ पर। आज हम बनाएंगे प्याजी। तो हमने यहाँ पर 3 बड़ा प्याज काट लिया है। हमने यहाँ पर 2 मिर्चाई काट लिया है छोटा छोटा। हमने यहाँ पर आधा कटोरी बेसन लिया है। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और हमने लिया मीट मसाला और नमक, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ती काट लिया है। तो आज है बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में प्याजी खाना चाय के साथ कितना टेस्टी है। हमने प्याजी के लिए हमने कटोरी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमने इसमें सारा प्याज डाल लिया है। अब हम इसको अच्छा से इस तरह से छुड़ा लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने सारा प्याज खोल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हम इसमें आराम से 5 चम्मच डालेंगे। हमने 2 चम्मच डाल लिया है। अब हम इसमें हमने 5 चम्मच डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हम 1 चम्मच डालेंगे। इसमें हम डालेंगे मीट मसाला 1 चम्मच। इसमें हम डालेंगे नमक 1/2 डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा और दे देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिर्चाई। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। हम इसमें डालेंगे अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से सान लेते हैं। अब देखिए कि हमने अच्छे से सान लिया है, जैसे हमारा सना गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे। इस तरह हम अपने हाथ में लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा छिड़क के पानी ले लिया है। अब फिर से हम इसको दोबारा छान सान लेंगे। अब देख सकते हैं अच्छा सा सना गया है। चलिए अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे कढ़ाई गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे तेल। हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे गैस तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे प्याज के पकौड़े। हम ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना रहे हैं, हम मीडियम साइज बना रहे हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं। इसी करके हम सारा डालेंगे इसमें। हमने सारा प्याज डाल दिया है, बाकी हम फिर बाद में डाल देंगे। देखो तो हमारे पकौड़े लाल हो रहा है। अब हम इसको पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारे प्याजी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छे से इसको इस किनारे में लेकर के तेल निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से बन के तैयार हो गया प्याज के पकौड़े। ऐसे करके हम अब सारा डाल देते हैं। देख सकते हैं आप बन के तैयार हो गया हमारे प्याज के पकौड़े।